हाइट्स एंड डिस्टेंस की इस वीडियो सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग जिन क्वेश्चंस पे बात करने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने एक टॉपिक में रखा है। उस टॉपिक का नाम है एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट टू मल्टीपल वर्टिकल लाइन्स, यानी कि किसी एक ही पॉइंट से अलग अलग वर्टिकल लाइन के किसी डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिए गए हैं। उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको हो सकता है ये निकालना हो, हाइट निकालना हो, या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक सिंगल पॉइंट से एक ही वर्टिकल लाइन पर अलग अलग पॉइंट पे यदि हम लोगों को डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन दिए गए हैं, तब हम लोग ये कैसे निकालें या ये कैसे निकालें या ये कैसे निकालें या ये कैसे निकालें, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन बोर्ड में है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। हम लोगों को एक रोड दिया गया है, 80 मीटर वाइड रोड है। मान लेते हैं कि ये रोड है, इस रोड के दोनों तरफ में दो पोल्स इस तरीके से खड़े हैं ऑफ इक्वल हाइट्स। यदि एक पोल की हाइट h है तो दूसरे पोल की भी हाइट h होगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, ऐसा हम लोगों को दिया गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और मान लेते हैं ये है सपोज x और इसे हम लोग y मान लेते हैं। स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो रोड के बीच में कहीं पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, सपोज यहां पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं जेड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री बोला जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हम लोगों को इस h का वैल्यू निकालना है और यहां से यहां और यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कोई एक डिस्टेंस को सपोज कुछ मान लेते हैं, कि ये डिस्टेंस है सपोज ए मान लेते हैं इसको। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है, 80 में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोगों का a से z के बीच का डिस्टेंस 80 माइनस a आ गया है। तो हम लोग अब ट्रायंगल्स में लेकर के काम करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले लेते हैं ट्रायंगल सपोज बी जेड वाई में, इन ट्रायंगल बी जेड वाई। तो बी जेड वाई ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई a, h बाई ए हो गया। और यहां से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लें, tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दें, tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री हो गया, तो ये हो गया रूट थ्री इज इक्वल टू h बाई ए और a इज इक्वल टू h बाई रूट थ्री। इसको हम लोग इक्वेशन वन कर दें। अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ए जेड एक्स में, इन ट्रायंगल ए जेड एक्स टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस ए और टैन 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दें, 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस ए और 80 माइनस ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो इधर हो जाएगा 80 माइनस ए इज इक्वल टू ये रूट थ्री, इधर h से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा h रूट थ्री। हम लोग a का वैल्यू यहां से यूज कर लें इसमें, तो यूजिंग इक्वेशन वन एट्टी माइनस
एच बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एच रूट थ्री और 80 इज इक्वल टू इस एच बाई रूट थ्री जो नेगेटिव में है इसको राइट हैंड साइड में कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच रूट थ्री प्लस एच बाई रूट थ्री। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3h प्लस एच बाई रूट थ्री यानी कि 4h बाई रूट थ्री। ये आ गया हम लोग का 80 के इक्वल, 4 से 80 कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो h का वैल्यू 20 रूट थ्री हो गया। यूनिट मीटर में है तो हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 रूट थ्री। अब हम लोगों को ये डिस्टेंस पता करना है तो a का वैल्यू हम लोग h का वैल्यू डाल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन a इज इक्वल टू एच बाई रूट थ्री, एच का वैल्यू 20 रूट थ्री बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल्ड, सो a इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू 20 एंड यूनिट इज मीटर। और ये हम लोग का bz आ गया एंड az के लिए हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 80 माइनस a है हम लोग का az, तो az इज इक्वल टू 80 माइनस a इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो हम लोग के क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द पोल्स, हम लोगों ने h माना था, h इज इक्वल टू 20 रूट थ्री मीटर। डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो यही दोनों लाइंस हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन स्टेट्स 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो कोई एक बलून है, एक बच्ची देखते हैं इसको, बलून की हाइट दी गई है 88.2 मीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बलून है और इस तरीके से इस बच्चे ने इसे देखा, ये 88.2 मीटर है, यहाँ पे बलून है मान लेते हैं बी, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक बच्ची है सपोज गर्ल चाइल्ड है। द एंगल ऑफ, अच्छा बच्ची की हाइट है 1.2 मीटर, देखते हैं उसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज, ओके जरूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि ये बच्ची है, ये उसका आई लेवल हो गया, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें जो इसके पैरेलल होगा और मान लेते हैं इसको एच पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है, ये दिया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसका वैल्यू 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ओके तो 30 डिग्री तभी होगा जब ये ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा यानी कि ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये आगे की ओर बढ़ा मान लेते हैं यहाँ तक आया, तो ये बलून यहाँ पे आ गया मान लेते हैं, ये बलून का नेक्स्ट पोजीशन है एन, अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो गया है। हाइट तो दोनों का सेम है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ, ये फ्रॉम जी टू डी का वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग, ये 1.2 मीटर दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट 1.2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम लोग का हो जाएगा 88.2 माइनस 1/1.2 यानी कि 87 मीटर। ओके ये टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, और 87 मीटर है बच्ची
की आई लेवल से। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि अभी हम लोगों का क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो होगा उसमें जो आंसर आए एग्जैक्टली वो आंसर ना आए। तो किसी किताब में मैंने देखा है कि इसका आंसर थोड़ा सा अलग आता है, तो वहाँ पे किताब में आपको थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में क्या सुधार करना है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, तब तक के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में एक बलून दिया गया है जो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर के हाइट पर है, और कोई एक बच्ची है 1.2 मीटर हाइट की, और उसके आई लेवल से किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस बलून का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है, और बलून जो है वो मूविंग विद द विंड है, और कुछ समय के अंतराल में किसी एक दूसरे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस बलून का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उस बच्ची के आई लेवल से 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो घट जाते यानी कि वो दूर होगा तभी ये घटेगा, नजदीक आता तो बढ़ जाता। ओके, तो हम लोगों को पता करना है कि इस समय अंतराल में, इस इंटरवल ऑफ टाइम में बलून कितनी दूरी तय करता है। तो पहले हम लोग काम करें इस ट्रायंगल में BEH, तो इन ट्रायंगल BEH, BEH ट्रायंगल में यहां से यहां तक का वैल्यू 87 है, तो हम लोग लिखें टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 बाई यहां से यहां तक, यानी कि EH, EH या CG एक ही बात है, फिलहाल EH ही लिखते हैं। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो √3 इज इक्वल टू 87 बाई EH, EH, तो यहां से EH का वैल्यू हम लोग निकाल लें, EH इज इक्वल टू हो जाएगा 87 बाई √3, यूनिट मीटर में होगा। नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं ट्रायंगल ENM में, ठीक है, इन ट्रायंगल ENM टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 87 बाई EM, EM, और EM इज इक्वल टू 87 बाई टेन 30 डिग्री का वैल्यू, अच्छा वो छूट गया, यहाँ पे 1/√3 पहले कर लें, 1/√3 इज इक्वल टू 87 बाई EM, तो यहाँ से EM का वैल्यू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 87√3। अब हम लोग EM को क्या लिख सकते हैं, हम लोग EM को EH प्लस HM लिख सकते हैं, तो लिख दें, और EM की जगह पे EH प्लस HM इज इक्वल टू 87√3। EH का वैल्यू हम लोग यहाँ से यूज कर लें, इसको इक्वेशन वन मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन EH इज इक्वल टू 87/√3 प्लस HM इज इक्वल टू 87√3, और HM इज इक्वल टू 87√3 माइनस, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 87/√3, इसको हम लोग रैशनलाइज कर लें, तो ये हो जाएगा 87 × 3 माइनस 87/√3, ये हो जाएगा 87 × 2 174/√3, इसको अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, 174 × √3 बाई 3, ये आ रहा है HM का वैल्यू, और HM इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 58, HM इज इक्वल टू 58√3, और यूनिट है मीटर, मीटर। तो HM का वैल्यू यही है वो डिस्टेंस जो हमें निकालना था, GD इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू BN, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इन द गिवन इंटरवल इज इक्वल टू 58√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर है।
आपकी किताब में हो सकता है कि ये आंसर आपको 58.8√3 मीटर मिले, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में एक छोटी सी परिवर्तन करने से हम लोगों का आंसर ये आ जाएगा। चलिए हम लोग ये आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट के लिए ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ चुका है, एंड दिस इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग, चूंकि आपके किताब में हो सकता है कि आपको आंसर ये नजर आ जाए, तो अगर आंसर ये नजर आ जाता है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे गलत बताया गया है। तो ऐसा नहीं है ना, आपके किताब का आंसर गलत है ना यहाँ पे गलत बताया गया, बस क्वेश्चन में एक छोटा सा छोटी सी चेंजिंग करने की जरूरत है। और वो चेंजिंग क्या करनी है, वो यदि हम लोग क्वेश्चन में ऐसा करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड के जगह में, ये जो फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम द ग्राउंड ना लिख करके यहाँ पे फ्रॉम द आई लेवल कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ना करके फ्रॉम द आई लेवल कर दें। चलिए अब क्वेश्चन सेम है, बस ये ग्राउंड के जगह में आई लेवल आ गया है। तो अब क्या होगा, अब ये फिगर में 88.2 हाइट यहां से ना हो करके यहां से यहां तक होगा, ये वाली हाइट। ओके, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। तो बस क्वेश्चन में बस इतना ही चेंजिंग हुई है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंगली ये फिगर अब इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली अब हम लोग इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये इसका सॉल्यूशन अब नहीं है, ये पहले वाले फिगर का सॉल्यूशन था, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ग्राउंड लेवल से जब उसका हाइट 88.2 मीटर दिया गया था तब के लिए। अब क्या है, अब आई लेवल से उसकी हाइट 88.2 मीटर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें तो हम लोग को क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे √3 = 87/EH नहीं आएगा, 88.2 EH आएगा। तो यहां से हम लोग बस EH = क्या कर लेंगे, 88.2/√3 कर दें। ये हम लोग का इक्वेशन वन आ गया। और यहाँ पे हम लोग का EH + HM = 88.2 × √3 हो जाएगा, EH + HM = 88.2 × √3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को EH का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। आगे का प्रोसेस सेम है, बस हम लोग का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर गया है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन वन को यूज कर लें, यूजिंग इक्वेशन वन, तो हमें मिल जाएगा 88.2/√3 + HM = 88.2 × √3 और HM = 88.2√3 - 88.2/√3, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 88.2 × √3 √3 हो जाता है, -88.2/√3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 88.2 × 2 यानी कि 8 to 16 176.4/√3। अब इसे रैशनलाइज कर दें तो हम लोग जरा यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद। तो HM = हम लोग का आ जाएगा 176.4√3/3, तो ये हो जाएगा 3515 8324.8√3 और HM = इतना यूनिट मीटर है। तो ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया 58.8√3 मीटर। उसके लिए हमने क्या किया, जस्ट ग्राउंड लेवल को रिप्लेस कर दिया है आई लेवल से, एंड हेंस वी गॉट द आंसर। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। होप आपको ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका ग्राउंड लेवल से यदि हाइट दिया गया है तब कैसे बनाएंगे, आंसर कितना आएगा, और अगर आई लेवल से दिया गया है तब कैसे बनाएंगे, आंसर कितना आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मान लेते हैं ये एरोप्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, ये ग्राउंड है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, घट गया, यहाँ पहुंचा देते हैं। अब क्या है, अब ये 30 डिग्री हो गया है,
ये एरोप्लेन का नेक्स्ट पोजीशन है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, ये हाइट हम लोगों को 3000 मीटर दी गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो स्पीड निकालने के लिए स्पीड चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया 15 सेकंड, तो टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं पता है। यहां से यहां का डिस्टेंस यदि हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग उस डिस्टेंस को यहां पे डालेंगे, टाइम दिया गया है तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम लोग का प्राइमरी गोल है ये डिस्टेंस पता करना। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग लेंगे ट्रायंगल AIG, इन ट्रायंगल AIG, इन ट्रायंगल AIG tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 3000 बाय IG। tan 45 का वैल्यू 1, IG को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे IG, तो IG इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल NIH, इन ट्रायंगल NIH tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3000 बाई IH। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 3000 बाई IH। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो IH इज इक्वल टू 3000 इंटू रूट थ्री। IH को हम लोग IG प्लस GH लिख सकते हैं, IG प्लस GH इज इक्वल टू 3000 √3। IG का वैल्यू हम लोग यहां से यूज कर लें इक्वेशन 1 से, यूजिंग इक्वेशन 1 तो IG 3000 है, 3000 प्लस GH इज इक्वल टू 3000 √3, और GH इज इक्वल टू 3000 √3 माइनस 3000। 3000 को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा √3 - 1, GH इज इक्वल टू, चलिए हम लोगों को GH का वैल्यू पता चल गया है और टाइम हम लोगों को 15 सेकंड दिया गया है, तो हम लोग स्पीड निकाल लें। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकंड, डिस्टेंस 3000 इंटू √3 - 1, ये यूनिट मीटर में है, तो स्पीड इज इक्वल टू 3000 √3 - 1 बाई 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 200 √3 - 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग इसे किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोगों को इसको क्या करना होगा, देखिए स्पीड है हम लोग का 200 √3 - 1, ये है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सॉरी 1000 से डिवाइड कर दिए, और नीचे में है सेकंड, नीचे में यहाँ पे सेकंड है, सेकंड को मीटर से सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए 36000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3600, 16 × 60 करेंगे 3600 आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लें, इसका तीनों जीरो, इसके दो जीरो और इसके एक जीरो से कट जाएंगे, तो ये अब किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, तो 36 × 2 कर दें 72, 720 √3 - 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को भी से डिनोट करते हैं, तो आप मीटर पर सेकंड में चाहें तो ये दिखा सकते हैं,
यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, रूट थ्री का वैल्यू 1.732 तक डाल देते हैं। तो यदि रूट थ्री का वैल्यू 1.732 तक डालें तो रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा 0.732। 0.732 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 224, 236, 7214, तो 146.4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी हम लोग इसी वैल्यू को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 720 इंटू 732। 732 को 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फाइव ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो फोर 527.04 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए रफ वर्क यूज किया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा वैसे कुछ था नहीं, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि स्पीड निकालना है क्वेश्चन में, डायरेक्ट वो हम लोगों का आंसर नहीं पूछ रहा था। हम लोगों को पहले जो यहाँ पे डायरेक्ट जो चीज़ निकल करके आ रही है उसको फिर हम लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करके स्पीड निकालना था, डिस्टेंस बाय टाइम वाले फॉर्मूला को यूज करके। तो इतनी सी चीज़ हम लोग कर सकते थे और हमने किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल 2 अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक राउंड बलून ले लें। तो मान लेते हैं कि एक राउंड बलून है और इसका रेडियस आर है, सबटेंड्स एन एंगल 2 अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो कहीं पे कोई एक ऑब्जर्वर है उसके आँख में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी इसका जो एंगल जो सबटेंड होता है इस पूरे बलून का उस व्यक्ति के की आँखों में वो है 2 अल्फा, यानी कि ये एंगल 2 अल्फा है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, जबकि इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, यानी कि ये एंगल बीटा है। क्लियर है, ये एंगल 2 अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। ओके, इसे यदि मिला दें तो परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ये आर है, ये भी आर है। चलिए, तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने जो पढ़ा है 9th क्लास में 10th क्लास में, उसके अकॉर्डिंगली अगर ये एंगल 2 अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा और ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ओके, पूरा सर्कल जितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर उसका हाफ एंगल सबटेंड होता है। तो ये दोनों एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को मिल गया है अल्फा अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसका हाइट, इसका डिस्टेंस क्या है। हम लोग इस ट्रायंगल में ले लें, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे मैन है एम, ये ग्राउंड हो गया जी, ये तो ओ है ही। इससे हम लोग एक पॉइंट ले लें सपोज टी, तो ट्रायंगल एम ओ टी, तो ट्रायंगल एम ओ टी में ये आर है और हमें ये एंगल पता है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल दिया गया है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का बेस हो गया, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हैं, इसका जिक्र तो वैसे आ चुका है पहले, बट फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं कि जो भी एंगल दिया जाता है वो एंगल और 90 डिग्री
के एंगल को मिलाने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेस है और यहाँ पर ये बेस है, और 90 डिग्री के साथ में एक और जो साइड अटैच्ड होता है उस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री के साथ में अटैच्ड एक साइड तो बेस हो गया, दूसरा ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो सबसे लंबा साइड है वो उसका हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस ट्राइंगल में एम ओ टी में, एम ओ टी हम लोग का कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये हो गया एम, ये हो गया ओ, ये हो गया टी। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल दिया गया है अल्फा, तो अल्फा एंगल और 90 डिग्री वाले एंगल को मिलाने वाला साइड एम टी जो है ये हम लोग का बेस हो गया, अल्फा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के ठीक सामने ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है आर, रेडियस आर यहाँ पे प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, तो हम लोग इस एच का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एच के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर और एच वाला एक रेशियो यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और एच का रेशियो साइन में आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ टी बाई एम ओ लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल एम ओ टी में, इन ट्रायंगल एम ओ टी साइन अल्फा इज इक्वल टू ओ टी बाई ओ एम, और साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई ओ एम, और ओ एम इज इक्वल टू आर बाई साइन अल्फा। इससे हम लोग इक्वेशन वन कर लें। हम लोगों को निकालना है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि ओ जी, ओ जी का हाइट हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ओ जी का वैल्यू इतना आना चाहिए आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा। तो अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल एम ओ जी में, इन ट्रायंगल एम ओ जी, एम ओ जी में हम लोग ये बीटा है, ये इसका हाइपोटेनस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो फिर से साइन बीटा ले, तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ जी बाई हाइपोटेनस ओ एम, और यहाँ से ओ जी का वैल्यू निकाल ले, ओ जी इज इक्वल टू ओ एम साइन बीटा, और ओ एम का वैल्यू इक्वेशन वन से यूजिंग इक्वेशन वन ओ जी इज इक्वल टू ओ एम है आर बाई साइन अल्फा और इन टू साइन बीटा। तो ये तो लगता बहुत आसानी से निकल गया, हेंस हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा, प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन से यह साबित होता है कि क्वेश्चन देखने में, सुनने में, पढ़ने में यदि बहुत टफ लगता है तो ऐसी कोई जरूरी नहीं बात नहीं है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी उतना ही टफ हो। आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें पूरा बोर्ड भर रहा था, ये क्वेश्चन तो आधे बोर्ड में ही कंप्लीट हो गया। तो इससे समझ में आती है ये बात कि डरना नहीं है, क्वेश्चन देख करके आगे बढ़ना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फेसबुक में जाकर के पोस्ट कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा अच्छी लगती है आप उसको यूज करें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका आज का दिन शुभ हो। थैंक यू।